हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी एम एच एस स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 12th स्टैंडर्ड को मास प्रमोशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपकी एग्ज़ाम्स हुई, यानी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम्स हुई GSEB बोर्ड की, तो एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा जिस रीज़न से एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाएगी 12th स्टैंडर्ड की, और यहाँ पर मास प्रमोशन अगर चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर कंप्लीट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशंस का ये जो टॉपिक है, इस पर बहुत सारे डिस्कशंस चल रहे हैं कि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड को यहाँ पर मास प्रमोशन मिलना चाहिए या नहीं, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड को मिल चुका है, अब सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लिए डिसीजन पेंडिंग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़े दिन पहले 15th मई को CM ने यहाँ पर डिक्लेरेशन किया था कि 12th स्टैंडर्ड को मास प्रमोशन अभी तो नहीं दिया जाएगा, यानी अभी मास प्रमोशन देने का उनका कोई इरादा नहीं है। और आगे हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर न्यूज़ चैनल्स में हमें ये बताया गया था, यानी CM ने ये डिक्लेयर किया कि जब कोरोना पे थोड़ा कंट्रोल आ जाएगा, यानी केसेस जब कम हो जाएंगे आने, तब आपकी एग्ज़ाम्स जो है वो कंडक्ट की जा सकती है 12th स्टैंडर्ड की। अब यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या आती है, मास प्रमोशन क्यों नहीं दे सकते, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन लेने हो, तब ये प्रॉब्लम अराइज़ होती है। तब जो कॉम्पिटिशन है वो पहले से ही टफ़ होता है, और अगर मास प्रमोशन दे देंगे तो ये जो है ये कंडीशन बैलेंस नहीं हो पाएगी कि किस तरह से, किस बेसिस पे यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहिए। तो इस रीज़न से अभी तक गवर्नमेंट ने डिसीजन नहीं लिया है मास प्रमोशन का, क्योंकि ये जो ऑब्स्टेकल है कि आगे इन फ्यूचर, अब 12th स्टैंडर्ड के बाद अगर मास प्रमोशन मिल जाता है तो एडमिशन किस तरह से होंगे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, तो इसी रीज़न से अभी तक आपके लिए मास प्रमोशन डिक्लेयर नहीं हुआ है। अब दूसरी बात पे आते हैं, सभी स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ना हो, बोर्ड एग्जामिनेशन जो 12th स्टैंडर्ड की है, कोई नहीं चाहता कि ऑफलाइन एग्ज़ाम इस कंडीशन में उनको देनी पड़े। तो आप यहाँ पर हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ही कैंपेन, यानी हैशटैग्स यूज़ कर रहे थे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, और उनको भी मास प्रमोशन मिल चुका है। और अगर आपको पता होगा तो अभी तक CBSE बोर्ड की जो 12th स्टैंडर्ड के लिए एग्ज़ाम्स होने वाली है बोर्ड की, उस पर भी कोई डिसीजन नहीं आया CBSE बोर्ड के लिए, तो वो स्टूडेंट्स भी ये हैशटैग्स यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें आप भी ज्वाइन हो जाइए, आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, ये हैशटैग यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आप यूज़ कर सकें आप उसमें यहाँ पर कमेंट करके ये हैशटैग यूज़ कीजिए, ताकि इसमें और सपोर्ट मिले, राइट। एज़ वेल एज़ आप ट्विटर पे भी इस कैंपेन में जुड़ सकते हैं, आपको ट्विटर पे भी ट्वीट करके इसमें ज्वाइन हो जाना है। अगर आप चाहते हैं आपको मास प्रमोशन मिले, आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये 10th स्टैंडर्ड में सक्सेसफुल रहा था, हम यही चाहते हैं कि अगर जो स्टूडेंट्स चाहते हैं मास प्रमोशन मिल जाए, तो 12th स्टैंडर्ड के लिए भी ये सक्सेसफुल हो सकता है। तो अब आगे बात करते हैं, ये फर्स्ट कंडीशन तो ये कि गवर्नमेंट यही चाहती है कि वो सोच रहे हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी 18 प्लस हो जाते हैं, 18 इयर्स के हो जाते हैं, तो वो वैक्सीन लगाने के बाद एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाए, यानी सारे स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड हो और उसके बाद एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाए, तो वो एक सेफ साइड है स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा भी गवर्नमेंट सोच रही है कि वैक्सीनेशन के बाद ही स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाए, बट अभी तक कोई परमानेंट डिसीजन नहीं आया आपके एग्ज़ाम्स के ऊपर। ये सारे यहाँ पर प्रिडिक्शंस है कि ऐसा भी हो सकता है, बट अगर हम एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करें, तो जैसे ही CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में कोई भी डिक्लेरेशन लेकर आएगा 12th के बारे में, 12th स्टैंडर्ड के बारे में, तो आप समझ लीजिएगा कि सेम डिसीजन हो सकता है फॉर GSEB बोर्ड, क्योंकि CBSE बोर्ड ने जब 10th स्टैंडर्ड को मास प्रमोशन डिक्लेयर किया था, तब GSEB बोर्ड ने 10th स्टैंडर्ड को मास प्रमोशन दे दिया आफ्टर अ मंथ। तो ऐसा ही कुछ हो सकता है 12th स्टैंडर्ड के लिए भी, क्योंकि अभी तक CBSE की तरफ से भी कोई डिक्लेरेशन नहीं आया, तो पहले CBSE का डिक्लेरेशन आएगा, आते ही GSEB वालों के लिए भी सेम डिक्लेरेशन हो सकता है। तो एक ये पॉसिबिलिटी है,
और अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट की गई, यानी CBSE ने भी डिसाइड कर लिया एग्ज़ाम्स लेनी है और GSEB ने भी डिसाइड कर लिया कि एग्ज़ाम्स होगी 12th स्टैंडर्ड की, तो जून में एग्ज़ाम्स हो सकती है, ऐसा प्रिडिक्शन है कि जून तक केसेस अगर कम हो जाए तो उस टाइम एग्ज़ाम्स हो सकती है, या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपकी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं। अगर जुलाई तक बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होती तो उसके बाद आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं की जा सकती किसी भी सर्कमस्टेंसेज में, राइट। तो उसके बाद मास प्रमोशन ही होगा ऑप्शन, या फिर असाइनमेंट के थ्रू या कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम के बेसिस पर एग्ज़ाम ली जा सकती है। तो आपको जुलाई तक वेट करना है, तब तक डिक्लेरेशन आ जाएगा कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाएगी या फिर नहीं होगी एग्ज़ाम्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप हैशटैग्स यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हें भी कहिए और उनसे भी रिक्वेस्ट कीजिए कि इस हैशटैग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, बिकॉज़ आगे क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगी, जो भी सर्कुलर्स गवर्नमेंट्स, सबसे पहले वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचाऊंगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं माय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।